अरे भाई इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है? अरे ये लेटर अर्जेंट पहुंचाना है। कहाँ पे पहुंचाना है? अरे एड्रेस पढ़ने का टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा। जल्दी चल, जल्दी चल। अरे सर पहले ही तीन बैठे, अब तुमको का भी टाइम है। अरे शिवम भाई, इसके जेब में बहुत बड़ा हथियार है। क्या बात करो, हथियार है? हाँ, एक नंबर। अभी चेक करता हूँ। हाँ भाई बहुत बड़ा हथियार है यार, पैची ना है, एक तो लंबा लंबा, खत्म ही ना हो रहा भाई। हाँ? मेरी जेब फटी है। भैया कासिम चल रहे हो? भैया कहाँ पे? पहाड़ में। देखो भैया तुम जाओ भाड़ में या जाओ गधे की पीठ पे। भैया ये तो कोई मैच ना हुआ यार। अब भैया तुम्हारे मैच के चक्कर में हम घर पे थोड़ी पिटेंगे भैया, अब गाली वाली वीडियो ना बनाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया करा भैया, मुझसे भी बहुत लोगों ने कही, बहुत गाली दे रहे हैं आजकल कासिम भाई वीडियो में। भैया छोड़ दिया। सही करा, सही सही। देखा तुम्हारी बहन को, दिन भर पबजी खेलती रहती है, बिल्कुल दिमाग नहीं है। अरे बहुत दिमाग है उसमें, देख। बहन अकबर कौन था? अरे मुझे नहीं पता। देखा, अच्छा तू बता, तुझे पता है रिया और पूजा कौन है? कौन है? अरे अपने बॉयफ्रेंड पे ध्यान दिया होता तो पता होता ना। तुम क्रिकेट देखती हो? हाँ, कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है। हाँ, विराट अच्छा प्लेयर है? विराट भी अच्छा है, लेकिन कोहली सबसे बेस्ट है। ओ भाई। अरे सर पहले ही तीन बैठे, अब तुमको का भी टाइम है। जानू कल मेरा जन्मदिन है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? 150 रुपया देगा। और पारुल मैच खेल के आ रही है? हाँ यार। कितने रन बनाए? है बस सेंचुरी होने वाली थी कि कुछ रन कम पड़ गए। कितने रन? 99। ठीक है तो नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ में, ब्रेकअप। ठीक है नहीं रहना तो क्या हो गया भाई, ब्रेकअप क्यों कर लिया? अरे भाई मोबाइल रिचार्ज तक तो ठीक था, वो बोल रही स्कूटी में पेट्रोल डलवा दो। उसकी गली में मुझको जाना नहीं, हाल कैसा है ये भी बताना नहीं, वो बड़ी हसरत है आलम उस दिन की, वो कहे मैं हूँ, मैं कहूँ जी पहचाना नहीं। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम, क्या है? मेरा हाथ देख कर बताओ मुझे कौन सी बीमारी है। अच्छा मैं जो बोलूंगा पीछे पीछे बोलोगे? हाँ। पंजाबी में बड़े भाई को क्या कहते हैं? वीर। दूध फट जाए तो क्या होता है? पनीर। दूध में चावल डालो क्या बनेगा? खीर। तुझे कौन सी बीमारी है? बवासीर। हमारा नेता कैसा हो? सुना तेरी शादी के लिए रिश्ता है और तूने उनको हाँ बोल दिया? हाँ तो तू अभी तक सेटल नहीं, हाँ नहीं बोलूं। देख मुझे मेरे करियर में टाइम लगेगा और तुझे उनको ना बोलना पड़ेगा, दैट्स इट। और नहीं बोलते तो क्या मारेगा मुझे? तुझे नहीं, खुद को खत्म कर लूंगा मैं। रिश्ता मेरे लिए नहीं, मेरी दी के लिए है। सॉरी। जीजू को मार क्यों रहे हो? अरे आज मैं बैजी के पास गई थी, बैजी ने कहा है कि इन्हें दवाई कूट कूट के लेनी है। हाँ? चलो मैं भी हेल्प करता हूँ। हर लम्हा जिसे चाहा जिसे। कल रात ऑनलाइन मिली एक लड़की, मैं बोला चैटिंग कर रही क्या मेरे साथ, वो बोली सो जा भाई मैं लड़का हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? जो मेरे साथ चीट ना करे और जब तक मेरी शादी किसी और से ना हो जाए तब तक वो मेरे साथ लड़ रहे। म्यूजिक। खुद पे बीते तो दर्द, हम पे बीते तो ड्रामा, अरे वारे माता चो जमाना। अबे तुझे पता है अभी लॉकडाउन लगने वाला है? अच्छा कब? अबे ये 29, 30 और 31 फरवरी को। अच्छा। हाँ भाई अपनी जीत छोड़ो और घर पे चलो, पापा तो गुस्सा करते रहते। तुझे कितने दिन से मना कर रहा हूँ मैं नहीं आऊंगा, फिर भी तू क्यों आती है मुझे बुलाने? भाई सुन के बड़ा मजा आता है।
तुम अपनी गर्लफ्रेंड से डरते क्यों? सारी दुनिया से लड़ जाता हूँ पर पता नहीं क्यों उसके आगे पिघल जाता हूँ। पता है बचपन में तेरे कच्चे में छेद हुआ करता था, आज भी है। तरसती है ने की तेरे चाहिए बनाते। किसी ने क्या खूब कहा है, कहा होगा तू अपना काम कर। तुम हमेशा मेरा फोन चेक करते रहते हो, इतना शक क्यों करते हो मेरे पे? मोहब्बत में शक और गुस्सा वो ही करता जो तुम्हें खोने से डरता। ले जा मुझे साथ तेरे। क्यों तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं। क्यों? तुम इस लायक ही नहीं हो। चल चल आई बड़ी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरा बॉयफ्रेंड बन सके। क्यों मर दो क्या? बात सुन मैडम, जब यारा खाती घड़ी टैटे करी ना तो एक हफ्ते में तेरी नेट निकल जाएगी 3 फीट की, फिर कहेगी जो खाम लग गो। बेबी मूवी चलें? बेबी कॉर्नर वाली सीट लेना। ठीक है, बट बेबी अगर कॉर्नर वाली सीट नहीं मिली तो मूवी देख लेंगे।